नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज जो कि प्रीलिम्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसमें आज हम कवर करेंगे हिंद महासागर में तटीय देश कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी लोकेशन है जो प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीपीय देश या द्वीप हैं जो प्रीलिम्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारे इस वीडियो में आज हम जो पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो हिंद महासागर का पार्ट होगा। इसमें हम कवर करेंगे, देखिए ये भारत है और नीचे जो है इंडियन ओशन हिंद महासागर है, तो इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, उन इधर दोनों साइड में एशियाई देश कौन से हैं, अफ्रीकन देश कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका हो गया, इस वाले पार्ट में इम्पोर्टेंट लोकेशंस कौन कौन सी हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही है, कोई ऐसे स्थान है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आने की संभावना रखते हैं उनको, और देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप और द्वीपीय देश हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। ये हिंद महासागर की आप लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर में एशियाई महाद्वीप है, तीन महाद्वीप इसके किनारों पर हैं, ये अफ्रीकन महाद्वीप हो गया, यहाँ से शुरू करके ये वाला जो पार्ट है ये एशिया महाद्वीप हो गया और नीचे अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इसके अलावा नीचे जो है वो अंटार्कटिका की सीमा इससे टच होती है। कुछ हम जल संधियों की बात करेंगे, जैसे कई सारी जल संधियाँ हैं, बाबल मंदे हो गया, हारमुज जल संधि हो गई, मलक्का जल संधि हो गई, सुंडा जल संधि हो गई, जो कि हिंद महासागर में प्रवेश करने का या एग्जिट करने का द्वार है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वाले जो देश हैं अफ्रीका के, इनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ द्वीप हैं बीच बीच में, उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रीलिम्स के हिसाब से। अभी आप ये देखिए, ये जो साउथ में आपको ये छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फ्रांस की टेरिटरीज हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे जो कि फ्रांस की टेरिटरी हैं। अफ्रीका वाले साइड से हम शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए हिंद महासागर से जो टच होने वाले देश हैं, सोमालिया, इसकी राजधानी मोगादिशु है, उसके नीचे केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी है, जहाँ पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, इसके नीचे तंजानिया जिसकी राजधानी दोदोमा है, इसके नीचे मोजाम्बिक, ये देश जो देख रहे हैं यहाँ की राजधानी मापूतो है, दक्षिणी अफ्रीका जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है, इसके अलावा ये एक द्वीपीय देश है जिसको मेडागास्कर कहते हैं, इसकी राजधानी एंटानानारिवो है, तो ये आपको एकदम से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो राजधानी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि भारत अपना इंगेजमेंट अफ्रीका से बढ़ा रहा है, तो लगातार हमारी कोई ना कोई डिग्निटरी किसी ना किसी अफ्रीकी देश में जा रही है, तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम अफ्रीकन देशों की आपको लोकेशन पता हो, एटलीस्ट हिंद महासागर से जो देश टच हो रहे हैं उनकी लोकेशन हमें पता हो। उसका रीजन है कि ये हमारे ना केवल हमारे आईआर पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस में, इसके अलावा हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि डिजास्टर में सारे देश जो है वो मिलके काम करते हैं हिंद महासागर के, तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट में इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा हमारा जो सुरक्षा वाला पार्ट है उसमें भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इस हिसाब से ये लोकेशन जो हिंद महासागर के आसपास देश हैं वो हमें एकदम सटीक उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। दो और छोटे छोटे टेरिटरीज हैं जो नॉर्मली हम स्किप कर देते हैं, स्वाजीलैंड और लेसोथो, देखिए ये दक्षिणी अफ्रीका है, देश है, इसके अंदर भू आबद्ध दो टेरिटरी हैं, ये लेसोथो है और ये स्वाजीलैंड है, तो इन दोनों की लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि एशियाई महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जो हिंद महासागर के तट पर स्थित हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यमन जिसकी राजधानी है साना, ओमान जिसकी राजधानी है मस्कत, ईरान जिसकी राजधानी तेहरान, उसके बाद पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, फिर भारत है, श्रीलंका जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा, बांग्लादेश राजधानी ढाका, म्यांमार नापिता, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है, इसके अलावा नीचे ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो उसकी सीमा टच करती है, इसकी राजधानी कैनबरा है। दो जल संधियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली है मलक्का जल संधि, देखिए ये यहाँ पे इंडोनेशिया है और ये मलेशिया है, इनके बीच वाला ये जो पार्ट है इसको मलक्का जल संधि कहते हैं, ये हिंद महासागर से आसियान देशों की तरफ जाने का या पूर्वी एशिया में जाने का महत्वपूर्ण मार्ग है, दुनिया भर का 40% जो ट्रेड है वो मलक्का जल संधि से होके गुजरता है, मलक्का जल संधि पर ही छोटा सा देश है सिंगापुर, तो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ही सिंगापुर का डेवलपमेंट है, वहाँ जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें इस संधि का, इस जलमार्ग का भी इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा एक नया जलमार्ग भी शुरू किया गया है सुंडालैंड होके, ये इतना पॉपुलर नहीं है, ये देखिए इंडोनेशिया के ये दो द्वीप हैं सुमात्रा और जावा, इन दोनों के बीच से यहाँ से ये सुंडा जल संधि है, तो यहाँ से भी ये भी ट्रेड का मार्ग है, बट ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि सिंगापुर होके ये जो मलक्का जल संधि है ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये भी दोनों आपको ध्यान में रखनी है। हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं जो हमें प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान में रखने
चाहिए उन पे हम बात करेंगे। पहला है मॉरिशस, जहाँ से भारत में किसी समय बहुत सारा एफडीआई आता था, करीब 40% एफडीआई है वो अकेले मॉरिशस से होके आता था। देखिए ये एक छोटा सा देश है, यहाँ पे द्वीपीय देश है छोटा सा, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। आपको इसकी लोकेशन ध्यान में रखनी है, सीक्वेंस आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे पहले सेशेल्स है, उसके नीचे मॉरिशस है, तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मालदीव है जिसकी राजधानी माले है, ये हमारा जो लक्षद्वीप है उससे एकदम नज़दीक है। डियागो गार्सिया द्वीप ये देखिए यहाँ पे है, यह अभी यूके के नियंत्रण में है और यूके ने इसको यूएसए को लीज पे दिया हुआ है, और यहाँ पे यूएसए का सैन्य बेस है। रिसेंटली ही इंटरनेशनल कोर्ट ने मॉरिशस के फेवर में जजमेंट दिया है कि यूके ने जब मॉरिशस को आज़ाद किया तो यह द्वीप भी मॉरिशस को सौंपा जाना चाहिए था, तो अभी तक यूके ने इसको सौंपा नहीं है, बट इंटरनेशनल कोर्ट ने मॉरिशस के फेवर में जजमेंट दिया है, इसीलिए यह चर्चा में है, तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगालेगा जो द्वीप है ये देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन है, यह मॉरिशस का द्वीप है जहाँ पे भारत अवसंरचना का विकास कर रहा है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है भारत का कि मतलब दूसरे देशों का इंटरफेयर हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ के कई लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो विरोध कर रही हैं। अगला जो है सेशेल्स, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है, ठीक, सेशेल्स यहाँ स्थित देश है, यहाँ पे इसकी लोकेशन आप ध्यान में रखिएगा, इसकी राजधानी विक्टोरिया है, ये मेडागास्कर है, इसके पास में स्थित है। अगला जो इम्पोर्टेंट द्वीप है ये है अजमसन द्वीप, देखिए ये यहाँ पे अजमसन द्वीप है, यह सेशेल्स का द्वीप है जहाँ पे भारत नौसेना बेस बनाने वाला था, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो ये अजमसन और अगालेगा दोनों प्रोजेक्ट्स पे भारत आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अपनी लोकेशन और इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए, तो ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। कुछ और द्वीपीय देश हैं जो हमें प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जैसे कोमोरोस, ये यहाँ पे देखिए मेडागास्कर के ऊपर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये कोमोरोस है, इसकी राजधानी मोरने है। मेयोटे एक फ्रांसीसी टेरिटरी है जो कि कैमेरोस से जस्ट नीचे है, ये यहाँ पे, यहाँ जो मैंने गोला किया है यहाँ पे, ये मेयोटे जो है फ्रांसीसी क्षेत्र ये स्थित है। इसके अलावा एक और फ्रांसीसी क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पे रीयूनियन इसका नाम है, ये मेडागास्कर से नीचे है, इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। दो द्वीप हैं पेम्बा और जंजीबार, ये देखिए यहाँ पे जो तंजानिया का बॉर्डर है इसके पास में यहाँ है पेम्बा और जंजीबार द्वीप, ये तंजानिया के द्वीप हैं, लौंग उत्पादन के लिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। एक और हिंद महासागर में द्वीप है जो अभी काफ़ी फेमस है, कोको द्वीप, ये म्यांमार का द्वीप है, देखिए अगर इस मैप में आप देखेंगे ये हमारे नीचे अंडमान निकोबार रह गए, अंडमान निकोबार से जस्ट ऊपर ये कोको आइलैंड है, ये यहाँ पे जो चीन है वो कुछ अवसंरचना का विकास कर रहा है, इसलिए भारत के लिए रणनीतिक हिसाब से इस पे निगरानी करना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो प्रीलिम्स में हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ लोकेशंस जो कि इस एरिया में हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाबहार, जैसा कि आपने पढ़ा होगा यह चाबहार जो है वो ईरान का एक तटीय क्षेत्र है जहाँ पे अभी बंदरगाह है और सेज का डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे गैस फील्ड भी हैं, एक गैस फील्ड है जो इम्पोर्टेंट है, फरजाद बी गैस फील्ड है, जहाँ पे भारत ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और अभी रिसेंटली चाइना ने भी वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन किया है, तो चाबहार आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे है और भारत के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी लोकेशन है ग्वादर, ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जो सीपेक का भाग है, सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसका ये पार्ट है, जो चीन है वो ग्वादर पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है जो कि ये हमारे पीओके से भी गुजर रहा है, इस कारण से हम चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं बन रहा है भारत अभी तक। एक और पोर्ट है डुकम पोर्ट, यह ओमान का पोर्ट है, देखिए ये अल डुकम, ये यहाँ पे ये पोर्ट है जिसका भारत अभी डेवलपमेंट कर रहा है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से हिंद महासागर में आसपास की लोकेशन जो है वो इससे बाहर जाने की संभावना कम है। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज, हमारी मैप वाली सीरीज या हमारी प्रीलिम्स क्वेश्चन वाली सीरीज, इससे रिलेटेड कोई भी आपके सुझाव हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इनको लाइक और शेयर करिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। निर्माण परिवार की तरफ से आपको प्रीलिम्स की ढेरों शुभकामनाएं।